भाई और बहनों, गांव देहात के लोगों की एक और बड़ी दिक्कत रही है, घर के मालिकाना हक, जमीन के मालिकाना हक को लेकर। घर तो था, बाप दादा रहते थे, लेकिन पता पता नहीं था भाई कागज कहाँ है, कहाँ पड़ा है कौन। और कभी अगर कहीं रिश्तेदार के यहाँ कहीं जाना है दो चार दिन के लिए, तो भी मन में रहता था कि वापस आएंगे तब घर हमारा बचेगा कि कोई बैठ जाएगा, अंदर घुस जाएगा, कोई कब्जा कर लेगा। कभी अड़ोस पड़ोस के लोग चिल्लाते थे, देखो दे फुट तुम मेरे यहाँ घुस गए, तुम्हारा दे फुट तो जमीन तेरी नहीं मेरी है, दो गज जमीन मुझे वापस दे दो, और मारकाट हो जाती थी। कोई गांव ऐसा नहीं था जहां ये मुसीबत नहीं थी। भाइयों बहनों, मैं मध्यम वर्ग के व्यक्ति, निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्ति, गांव में रहने वाले व्यक्ति, उनकी परेशानी भी समझता हूं। और इसलिए हमने इस परेशानी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है, इसका नाम है स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत गांव के लोगों को घर का, जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है, और वो भी टेक्नोलॉजी से। गांव के ऊपर ड्रोन घुमाया जाता है और ड्रोन से जगह टेक्नोलॉजी से तय की जाती है, गांव वालों के सामने उसको दिखाया जाता है और वही निर्णय करके टेक्नोलॉजी से फोटो निकाल करके दे दिया जाता है, ये यहां से यहां तक तुम्हारी जमीन है, तुम्हारा घर है, अब तुम उसके मालिक हो। भाइयों, कुछ लोग सोचते हैं टेक्नोलॉजी तो बड़े बड़े लोगों के लिए होती है, मोदी सोचता है टेक्नोलॉजी भी गरीबों को एम्पावर करने के लिए हो सकती है, और मैंने करके दिखाया है। दोस्तों, प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से दो बहुत बड़े फायदे होंगे, एक तो ये कि कोई उनकी जमीन पर, उनकी घर पर अब बुरी नजर नहीं डाल पाएगा, और दूसरा ये कि वो प्रॉपर्टी कार्ड दिखाकर अगर बैंक में जाएगा तो बैंक से उसको कर्ज भी मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है, और जीवन में बड़े सम्मान से जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है। भाइयों बहनों, बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद इस योजना को यहां भी लागू किया जाएगा। साथियों, गरीब की परेशानी, गरीब की दिक्कत को जो समझते हैं वही उनके लिए काम करते हैं। गरीब 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 के माला झप करके मूर्ख बनाने के खेल कहने वाले, अपने महल बनाने वाले, अपने परिवार के दूर दूर के रिश्तेदारों के लिए महल बनाना, चाचा के, मामा के, मामा का बेटा भी खाओ, किसका है माल खाओ, सब कुछ अपने कुनबे के लिए करने वाले लोगों को। भाइयों बहनों, ये लोग कभी आपका दर्द नहीं समझ सकते हैं। अगर उन्होंने दर्द समझा होता तो आपको इस हालत में जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। भाइयों और बहनों, कोसी और सीमांचल सहित बिहार का एक बड़ा क्षेत्र पानी के कुप्रभाव और पानी के अभाव दोनों प्रकार की चुनौतियों का सामना करता रहा है। बीते सालों में एनडीए सरकार ने प्रदूषित पानी के प्रभाव और साफ पानी के अभाव दोनों को कम करने के लिए निरंतर काम किया है। कोरोना काल में ही बिहार में 60 लाख से ज्यादा परिवारों को पाइप से पानी की सुविधा दी गई है। अररिया, पूर्णिया सहित सीमांचल के अनेक जिलों में भी हर घर तक जल पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, बिहार के विकास का सपना, बिहार में कनेक्टिविटी सुधार कर उसके बिना आधुनिकता की तरफ नहीं जा सकते,
और इसलिए हम उस पर भी पूरी ताकत से लगे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी अपने साथ उद्यम, उद्योग और रोजगार के नए अवसर तीनों एक साथ लेकर के आती है। यही वजह है कि अटल जी के समय इस इलाके में सड़क संपर्क सुधारने पर बहुत ध्यान दिया गया था। यही वजह है कि जब पीएम पैकेज का ऐलान किया गया था तो उसमें सबसे ज्यादा जोर बिहार में कनेक्टिविटी सुधारने पर दिया गया। फारबिसगंज जोगबनी रोड हो या फारबिसगंज सीतामढ़ी रोड हो, ऐसे अनेक हाईवे के निर्माण और चौड़ीकरण पर इस क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। जोगबनी विराटनगर और अररिया गलगलिया जैसी नई रेल लाइनों के आधुनिकीकरण पर यहां 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। पूर्णिया में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार की कनेक्टिविटी को लेकर जितना काम आज हो रहा है उतना बिहार में कभी नहीं हुआ। हमें इन कामों को रुकने नहीं देना है। साथियों, कनेक्टिविटी को लेकर हमारे प्रयासों का एक बड़ा प्रमाण है कोसी महासेतु। ये कोसी महासेतु आपकी तीन तीन पीढ़ियों के दिल दिमाग में छाया हुआ है। दशकों पहले कोसी का पुराना पुल टूटने के बाद फिर कोसी पर पुल बन नहीं पाया था। दशकों से ये हमारे प्यारे मिथिलांचल को एक प्रकार से बटा हुआ हाल था। अब कोसी महासेतु के निर्माण के बाद ये पूरा क्षेत्र फिर से एक बार एक हुआ है। ये महासेतु अब लोगों का समय भी बचा रहा है और लोगों का पैसा भी बचा रहा है।